लिवरपूल वर्सेस टोटनहम, क्लॉप की क्लास और कॉन्टे की प्रॉपर प्लानिंग कह सकते हैं। कॉन्टे एक प्रॉपर प्लान से आया था, उसको पता था कि लिवरपूल बॉल पोजीशन रखकर खेलेगी और आप लिवरपूल को बॉल पोजीशन में नहीं हरा सकते। तो कॉन्टे का प्लान ये था कि सीट बैक करेंगे और जब भी टर्नओवर होगा तब काउंटर या फिर ट्रांजिशन में लिवरपूल को बीट करेंगे, और ये करने में टोटनहम कंफर्टेबल भी लग रही थी। कॉन्टे एक प्रॉपर प्लान के साथ आया था, उसको उसने चूज किया ऐसे दो अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर विंग्स और एंडमले, उसके पास अच्छे मिडफील्डर्स है लाइक हुइबियर और स्किप, फिर भी उसने चूज किए दो अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर जिनकी पासिंग रेंज बहुत अच्छी है और जो बॉल इजीली कैरी कर सकते हैं, कैरी करके आगे जा सकते हैं, एंडमले और विंग्स, दो अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर जिनकी पासिंग रेंज बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इफेक्टिव थे। आपने जब अपना गेम देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि उनकी जो पासिंग रेंज थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी और बहुत ही पेनेट्रेट कर रहे थे लिवरपूल की मिडफील्ड को। फर्स्ट हाफ में लिवरपूल बॉल पोजीशन रखकर खेल रही थी, बट जब भी टर्न ओवर होता था लिवरपूल बॉल पोजीशन लूज कर रही थी तब विंग्स या फिर एंडोमले बॉल कैरी करके आगे जा रहे थे, या फिर फर्स्ट टाइम जो बॉल दे रहे थे वो बहुत ही इफेक्टिव था और लिवरपूल को पेनेट्रेट कर रहे थे। और आप सबको पता ही है कि ट्रेंट और रॉबर्टसन जो लिवरपूल के फुलबैक्स है वो थ्रू आउट द गेम उनकी पोजीशनिंग बहुत ही हाई रहती है, और ये गेम में भी ऐसा ही था। ट्रेंट और रॉबर्टसन दोनों ही हाई पोस्ट कर रहे थे और उसकी वजह से डिफेंस में दो ही प्लेयर्स पीछे थे डिफेंस में। तो जब भी टर्न ओवर होता था, जब लिवरपूल बॉल पोजीशन लूज करती थी और जब भी टर्न ओवर होता था, वी टू थे अगेंस्ट सन और केन, ऐसी पहले आप में ऐसे कई चांसेस बने थे जिसमें 1-0 या फिर 2-0 डाउन कर सकती थी लिवरपूल को। जो बहुत ही क्लियर कट चांसेस थे वो हैरी केन का मिस जो डेली अली ने जो पास दिया था वो बहुत ही स्लॉपी था। अगर वो पास बहुत ही एक्यूरेट या फिर अच्छा होता तो इजीली वो हैरी केन चांस स्कोर कर सकता था, बट वो पास स्लॉपी होने की वजह से हैरी चांस ने वो चांस मिस कर दिया। और जो ऐसे ही दूसरा चांस बना था जिसमें हैरी केन ने वन को वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था या फिर अच्छा होता तो सन इजीली फिनिश कर सकता था, बट वो चांस सन ने मिस कर दिया था। ह्यूमिंग सन के पास स्पेस है तो वो लिवरपूल के सेंटर बैक स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट ह्यूमिंग सन के पेस के सामने, क्योंकि ह्यूमिंग सन ईजिली बीट कर रहा था दोनों सेंटर बैक्स को और वो इजीली बीट करके आगे निकल के जा रहा था, और वो लिवरपूल वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि लिवरपूल के दोनों फुल बैक्स ट्रेंट और रॉबर्टसन दोनों हाई होने की वजह से डिफेंस में पीछे कोई नहीं था, सिर्फ दो ही प्लेयर थे, 2v2 थे अगेंस्ट सेंटर बैक्स सन और केन, और वही टोटनहम को एडवांटेज था। और कॉन्टे की प्रॉपर प्लानिंग कह सकते हैं क्योंकि उसको पता था कि अब लिवरपूल की जो स्ट्रेंथ है उन पे तो वो खेलेंगे, लिवरपूल क्लब तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा ही, बट